डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीप फेक को गंभीर खतरा बताते हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की ट्रोल आर्मी लगातार फेक न्यूज फैलाने का काम करती है और सरकार उस पर कोई लगाम नहीं लगाती। और इस पर अब चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने ट्रोल आर्मी को निशाने पर लिया है, जिसके बाद एक बार फिर चीफ जस्टिस को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। With the advent of troll armies and organized disinformation campaigns across different social media platforms, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में फ्री स्पीच के नाम पर झूठ फैलाने वाली ट्रोल आर्मी को निशाने पर लिया और कहा, परंपरागत रूप से भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी को नागरिक अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था, क्योंकि इस बात का डर होता था कि सरकार कुछ प्रकार के भाषणों को रोक सकती है। लेकिन ट्रोल आर्मी के आगमन और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संगठित दुष्प्रचार अभियानों के साथ डर यह है कि सच्चाई को विकृत करने वाले भाषणों की भारी बाढ़ आ गई है। इस तरह झूठे प्रोपगंडा वाली लड़ाई को 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्पष्ट रूप से समझाया था, जहां कहा गया था कि झूठ फैलाने का मतलब विचारों की कोई लड़ाई जीतना नहीं है, इसका लक्ष्य वास्तविक लड़ाई को लड़ने से रोकना है। इसीलिए जब हम फ्री स्पीच की पारंपरिक धारणाओं से पीछे नहीं हट सकते, तो हमें इंटरनेट पर फ्री स्पीच को स्थापित करने के लिए नया सिस्टम देखना होगा। यानी डी वाई चंद्रचूड़ ने फ्री स्पीच को कायम रखते हुए ट्रोल आर्मी के झूठ पर लगाम लगाने की वकालत की है। चीफ जस्टिस ने अपने भाषण में कहीं भी ये नहीं कहा कि फ्री स्पीच को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन झूठ फैलाने वाली ट्रोल आर्मी अब उन्हें ट्रोल कर रही है कि देखिए डी वाई चंद्रचूड़ अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करने की बात कर रहे हैं। ट्रोल आर्मी की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि चीफ जस्टिस के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो खबर में बोल कर भी नहीं बताए जा सकते। आप चीफ जस्टिस के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं कि झूठ फैलाने वाली ट्रोल आर्मी देश के लिए संकट बन गई है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।